नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन नेशनल के एक और फ्रेश वीडियो में। और यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण, यानी कि आज लगने वाले चंद्र पर ग्रहण के बारे में बताएंगे आपको कि कितने बजे लगेगा और किस प्रकार से लगेगा। साथ ही आपको बताएंगे कुछ अन्य जानकारियां कि क्या काम नहीं करने चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य ही दबाइएगा। साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के समय की। तो समय आपको बता दे, आज रात 10:37 पर चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा और 2:42 पर यह खत्म हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें 10 और 11 जनवरी दोनों को रहने वाला है, क्योंकि आधी रात तक 10 जनवरी और उसके बाद 11 जनवरी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए 10 और 11 जनवरी का चंद्रग्रहण कहा जा रहा है। इसके अलावा भी इस साल में कई चंद्रग्रहण आने वाले हैं। आपको बता दें चंद्र ग्रहण होने से धरती को भी नुकसान होता है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इस समय मजबूत हो जाता है और समुद्र से उठने वाले वेव्स यानी कि समुद्री ज्वार को इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी वजह से धरती पर भूकंप आने की आशंकाएं बनी रहती है। जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले ही सूर्य ग्रहण हुआ था और इस प्रकार से अब चंद्र ग्रहण देखने को मिलने वाला है। इसके बाद लगातार ग्रहण और ग्रहण के कारण गुरुत्वाकर्षण बल पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और इसकी वजह से भूकंप की आशंकाएं हैं। और वो देश जहां पर भूकंप ज्यादातर आते रहते हैं, चाहे वो जापान हो या फिर दूसरी कोई कंट्री, तो यहाँ पर भूकंप आने के और भी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हो चुका है बिल्कुल सूर्य ग्रहण के बाद में। और इस साल में और भी चंद्र ग्रहण आने वाले हैं जो कि देश दुनिया के लिए काफी भयानक रहने वाले। इसी वजह से चंद्र ग्रहण को भयंकर कहा जाता है। इसका कोई भी धार्मिक और कोई भी अंधविश्वासी कारण नहीं है। वैज्ञानिक कारण के अनुसार हम देख रहे हैं समुद्री ज्वार के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो कि चंद्रमा का होता है वो प्रभाव देता है और इस वजह से धरती पर भूकंप देखने को मिलता है। चलिए आपको प्रूफ भी बता देते हैं इस भूकंप का। दरअसल आपको बता दें 2018 में जनवरी महीने में चंद्र ग्रहण हुआ था और उसके कुछ समय पश्चात ही दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके देखने को मिले थे। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको। इसी के साथ धार्मिक मान्यता की अगर माने तो आज चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक नहीं लगेगा, इसका भी कारण है। इसका वैज्ञानिक कारण है आज उपछाया वाला चंद्र ग्रहण, यानी कि धरती की वास्तविक छाया चांद पर नहीं पड़ेगी बल्कि उसकी प्रतिछाया उसकी उपछाया चांद पर पड़ेगी। इसकी वजह से आज उपछाया वाला चंद्र ग्रहण है और वैज्ञानिकों की माने तो आज इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा और धार्मिक मान्यताओं की माने तो आज सूतकाल नहीं लगने वाला। तो इस प्रकार से था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।